बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन कराम, एज़ यूजुअल, जैसा कि हम पहले अपनी उन बेवा बहनों के पास जाते हैं, विज़िट करते हैं, जिनका सिवाय अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई सहारा नहीं होता। आज भी हम एक ऐसी अपनी बहन के पास मौजूद हैं जिनका खामंद फ़ौत हो चुका है और कमाने वाला कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो इनका सहारा हो, आसरा हो। ये छोटे मासूम बच्चे, ये बेटा बैठा है, ये बेटी है और ये गुड़िया बैठी है, तो ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो कमा नहीं सकते। और ये माँ बेचारी किन किन मुश्किलात का शिकार है, कैसे अपनी फैमिली को रन कर रही है, तो हम इनसे इनके हालात जानते हैं। इनकी एक 11 साल की बेटी है जो किसी के घर में काम काज करती है और ये माँ भी कहीं जा के काम करती है, तो इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। और इसी वीडियो के अंदर इस फैमिली का अकाउंट नंबर मौजूद है, इसका फ़ोन नंबर मौजूद है, तमाम तफसीलात इस वीडियो में दी गई हैं ताकि आप लोगों की अप्रोच को इजी बनाया जा सके और आप लोग इस फैमिली को अप्रोच करके इनकी हेल्प कर सकें। आप जितने भी फंड्स भेजेंगे डायरेक्ट इस बहन के अकाउंट में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम सलाम भैया। आपका नाम क्या है मेरी बहन? मेरा नाम अकीला है। अकीला मेरी बहन, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, एक बेटा और 3 बेटियां हैं। मेरी 11 साल की एक बेटी है जो दूसरों के घर काम करती है, इस वक्त वो बीमार है, वो मुल्तान है। हाँ जी, किसी के घर में काम करती है। ये आपका बड़ा बेटा यही है? मैं बस ये एक बड़ा बेटा भी है, छोड़ ये एक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम शहज है। आपके खामन को क्या हुआ मेरी बहन? मेरे खामन को दिल अटैक हुआ था। दिल का अटैक यानी हार्ट अटैक हुआ। नाम क्या था उस हमारे भाई का? उसका नाम अयाज हुसैन था। तो मेरी बहन, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो जगह है, ये मैंने देखा है कि आसपास कोई चार दीवारी नहीं है, अकेला कमरा है। मैंने आपका वॉशरूम देखा है जिसकी कोई ना दरवाज़ा है ना उसकी छत है। तो यहाँ जो बैठे हैं, ये आपका आपके खामन की जगह है या किसी और की जगह पे बैठे हैं, कैसे हैं? नहीं, ये मुझे मेरे अबू ने दी है जगह। अच्छा। मेरे अपने घर वालों की जगह थी, वो वहाँ से मुझे निकाल दिया गया। मैं ससुराल ने जो मैं दे भाई, वो अपने उनके बेटियों के साथ मिलकर उसने मुझे वहाँ से निकाल दिया। मेरे मकान और मेरा सामान सब बाहर निकाल दिया है। अच्छा, तो फिर उन्होंने आपको वहाँ से निकाल दिया, बेदखल किया, और जो भी आपका हिस्सा या आपके यतीम बच्चों का हिस्सा था जी, वो उन्होंने नहीं दिया मुझे। अच्छा, तो फिर आप अपने वालदैन के घर आई। हाँ जी, मैं उन्होंने जस्ट आपको एक कमरा दे दिया, बाकी आपके पास हैसियत नहीं थी? कोई नहीं है मेरे पास, बस मैं खुद दूसरों के घर काम करती हूँ, अपनी बच्ची को भी काम करवाती हूँ। फिर हम मुझे कुछ बाप ने दिए हैं। अच्छा, मुझे मकान बनवाया कुछ मैंने खुद, ठीक है, इकट्ठे करके। तो अभी आप बस ये वो कमा के अपने बच्चों का निज़ाम चला रहे हैं? मुझे 5,000 तनख्वाह देते हैं। आपको 5,000 देते हैं? मेरी बच्ची को, ये उसके बच्चे को उठाती है तो इसे 2,000 देते हैं। ये बच्ची? बेटा आप भी काम करते हो? जी हाँ। कहाँ काम करती हो गुड़िया? कोटद्दू काम करती है। क्या करती है मेरा बेटा? बच्चों को खिलाती। ओ, तो कितनी तनख्वाह देते हैं आपको? 2,000। आपको 2,000 देते हैं? जी। बेटा पढ़ते हो? जी। वहाँ पे पढ़ती भी हैं? जी। कौन सी क्लास में? दूसरी क्लास में। अच्छा, माशाल्लाह। पापा की याद आती है आपको? जी। तो फिर आप काम भी करती हैं और साथ पढ़ती भी हैं? जी। फ्रेंड्स, इस सिस्टर का कहना ये है कि हमारी बहन, ये अब देखें, बेटा कितनी उम्र है आपकी? 9 साल की है। तो नाम क्या है आपका? सना। सना। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बेटी जो बैठी हैं, सना इसका नाम है, 9 साल इसकी उम्र है। तो इस माँ का सहारा बनने के लिए, घर का निज़ाम चलाने के लिए ये बच्ची किसी के घर में काम करती है। तो फ्रेंड्स, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये हमारी बच्ची बेटी जिसका नाम सना है और इसकी उम्र तकरीबन 9 साल बनती है, ये बच्ची किसी के घर में काम करती है, लोगों के बच्चे जो छोटे होते हैं उनको उठाती है और 2,000 रुपये महाना कमाती है और फिर अपनी माँ को ला के देती है ताकि ये घर का निज़ाम चल सके। ये बहन किसी के घर काम करती है, इनकी एक और बेटी है वो भी 11 साल उसकी उम्र है, वो भी घर में काम काज करके अपने घर को, कितनी तनख्वाह बनती है? 5,000 इस माँ जी की, 2,000 इसकी और 2,000 उस बेटी की, तो 8 से 9,000 रुपये महाना कमाते हैं और अपने घर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी शख्स, हमारे बहन भाइयों में से कोई भी अल्लाह का बंदा इस फैमिली की सपोर्ट करना चाहे,
आप डायरेक्ट इनके नंबर पे रابطہ कर सकते हैं। ये मेरे हाथ में एक इनकी एक एप्लीकेशन है जिन्होंने एक SHO साहब को एप्लीकेशन दी है अपने उन जो ससुराल वाले हैं जिन्होंने इस सिस्टर को इनका हक नहीं दिया, इनके बच्चों का हक नहीं दिया और इनको वहाँ से जो इनका हिस्सा आता था इनके खामन मरहूम की तरफ से वहाँ से बेदखल कर दिया और उन्हें उस पर कब्ज़ा कर लिया। ये सारे इनके डॉक्यूमेंट्स हमारी इस बहन के भी मौजूद हैं कि हालात इस तरह ख़राब हैं और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक तो जो इनका राइट्स था अब उल्टा इन बजाय कि इन बच्चों के सरों पे हाथ रखने के, क्योंकि यतीम बच्चे हैं, लोगों ने उल्टा जो कुछ भी इनके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी या इसके खावन की तरफ से छोड़ा गया तरका था उससे बेदखल कर दिया। अब बेचारी मजबूर हो के अपने पेरेंट्स के पास आई कि मुझे थोड़ी सी जगह दे दें ताकि मैं घर बना सकूं। तो इस बहन ने बड़ी मेहनत मशक्क़त करके एक छोटा सा कमरा तो डाल रखा है, इनके पास कोई वसाइल नहीं है कि इसको सिक्योर कर सकें, कोई चार दीवारी डाल सकें या एक जो वाशरूम है उसकी छत डाल सकें, इतनी हैसियत नहीं कि उसका एक दरवाज़ा लगा सकें। तो आप सोच सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि ये कितनी मुश्किलात में ये फैमिली है कि जिनके पास इतने वसाइल नहीं कि एक वाशरूम का छत या दरवाज़ा डाल सकें या घर की चार दीवारी। तो इंशाल्लाह आप लोगों में से कोई भी इनकी सपोर्ट करना चाहता है इनकी दीवार के लिए, इनके वाशरूम बनाने में इनकी हेल्प कर सकता है तो वीडियो में सारी डिटेल मौजूद हैं, आप लोग कॉन्टैक्ट करके इस फैमिली की हेल्प कर सकते हैं। बहन, अगर हम आपको कोई कारोबार करवाते हैं, हमारे बहन भाई आपकी हेल्प करना चाहें ताकि ये बच्चियाँ आपकी आपके घर में रहें, किसी के घर में काम ना करें, इस उम्र में जो बच्चियाँ हैं कहाँ पर बेचारी पत्नी कितनी बातें सुनती होंगी, कितना काम करती होंगी और इसके बावजूद महीने के बाद आपको 2000 रुपया ला के देती हैं। तो अगर ये आपकी बच्चियाँ आपके पास रहें, आप भी कोई ऐसा काम जो घर बैठ के कर सकें, कौन सा ऐसा काम है जो आप करना चाहेंगे? भाई हमारे पास ना यहाँ देहात है, चलो हम बकरियाँ या गाय या कुछ भी उसका दिल मान दे सकते हैं, बैठा के अपने बच्चों को घर में खिला सकती हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सिस्टर ये भी कह रही हैं हमारी बहन कि अगर कोई शख्स इनकी हेल्प करेगा तो ये उस पैसे को ज़ाय नहीं करेंगे बल्कि उससे एक छोटा कारोबार करना चाहेंगी, क्योंकि ये गांव देहात में रहते हैं। तो ये सिस्टर चाहती हैं कि भेड़ बकरियां या जानवर लेके उनको खिला पिला कर बड़ा करके उनसे वो बिज़नेस करना चाहती हैं, या तो उससे दूध बेचेंगे या फिर जो जानवरों के बच्चे होते हैं बड़े होते हैं उनको सेल करके ये अपना निज़ाम चला पाएंगे। तो इस सिस्टर का यही कहना है कि अगर कोई शख्स, हमारा बहन भाई कोई भी जो इसकी वीडियो देख रहा हो, इनकी सपोर्ट करना चाहता है तो इनको कोई बिज़नेस करवा दे ताकि अपने बच्चों को सिक्योर कर सकें, ये छोटी बच्चियां अपने घर में बैठ के अपना निज़ाम चला सकें। मेरी बहन, ये 15000 रुपये मज़र महमूद फैमिली की तरफ से आपके लिए हैं, बेसिक सपोर्ट है ताकि आप अपने बच्चों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकें। और मेरे उस भाई को, वो फौत हो चुके हैं मज़र साहब, उनके लिए दुआ भी करनी है, अपनी नमाज में भी दुआओं में याद रखना है उन्हें। तो इसमें हम शुक्रिया अदा करते हैं बहुत बहुत, अल्लाह उसको दे बहुत दे, उसके बच्चों को, उसके खामद को जन्नत की कता दे। आमीन आमीन आमीन। सो फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह की आप हमारी वीडियोज़ को देखते हैं और आगे भी शेयर करें ताकि वही शख्स, अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो आपके शेयर करने से हो सकता है कोई ऐसा शख्स इस फैमिली को अप्रोच करे ताकि इनकी सपोर्ट हो पाए। लिहाजा आप सबका मशकूर हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।